फाइनली वृद्धा पेंशन का पैसा सभी जो पेंशन धारक हैं उनके खाते में आ गया है। तो काफ़ी लोग अभी भी दोस्तों ऐसे हैं जो कि पेंशन के लाभ से अभी वंचित हैं और उनको दोस्तों पेंशन का पैसा यहाँ पर अभी नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रीज़न है और क्यों उन लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है, तो इस वीडियो में दोस्तों आप जानने वाले हैं। अगर आपका भी दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन का पैसा है, यानी कि 60 साल का पेंशन है, या फिर दोस्तों विकलांग पेंशन है, या फिर जो है निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन का पैसा है, तो आपको अभी तक नहीं मिला है, या फिर दोस्तों आपने अभी तक अपने बैंक में जाके चेक नहीं कराया है, तो दोस्तों कैसे आप बिना बैंक जाए यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों खुद ही यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जी हाँ, अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से भी यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो है अभी वेबसाइट है यहाँ पर यूपी की जो वेबसाइट दोस्तों पेंशन की, वो यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करने के लिए करना क्या है, PFMS डालकर यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर में। तो इसका लिंक दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर दोस्तों आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद में दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रैक डीबीटी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब डीपीटी स्टेटस और बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी चुनना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट पर क्लिक करके रहने देना है। और यहाँ पर दोस्तों बेनिफिशियरी कोड नहीं है तो दोस्तों अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको एप्लीकेशन आईडी दोस्तों यहाँ पर डालना रहेगा, जो आपको पेंशन का आईडी नंबर है दोस्तों वो आपको दोस्तों वेबसाइट से यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी आप स्टेट से आते हैं आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मैंने स्टेट यूपी का, तो यूपी का यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद दोस्तों सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो सर्च का ऑप्शन वाले पर दोस्तों क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है क्लिक कर देते हैं, हमें डिटेल जो है सक्सेसफुल डाल दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं का जो स्टेटस है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अब दिखाया जा रहा है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर वैलिडेशन जो हुआ था दोस्तों जो 13 फरवरी को यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों जो पेमेंट का जो आप देख सकते हैं, मैंने पिछले महीने भी आपको बताया था जब वैलिडेट यहाँ पर पेमेंट हुआ था, अब इसके एक महीने बाद दोस्तों पेमेंट जो इनके अकाउंट में आया है। तो यहाँ पर पेमेंट दोस्तों अभी जो है 13 मार्च को यहाँ पर पेमेंट आया है और 13 फरवरी को यहाँ पर दोस्तों वैलिडेशन हुआ था। और अप्रूव दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 9 मार्च को यहाँ पर इनकी पेमेंट हुई थी, और यहाँ पर दोस्तों इनके अकाउंट में जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ है वो 13 मार्च को यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 13 मार्च को आप दोस्तों फाइल स्टेटस बैंक रिसीव, तो यहाँ पर 13 मार्च 2024 यानी 5:00 पे यहाँ पर दोस्तों हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों स्टेटस दोस्तों अब यहाँ पर ग्रीन हो गया है, जबकि पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट लास्ट डिजिट से भी यहाँ पर दोस्तों आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो पेमेंट दोस्तों इस समय आधार मोड आ रही है, अकाउंट मोड नहीं आ रही है, तो जल्द से जल्द अपना EKYC कंप्लीट करा लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।